हाय गाइस, वेलकम बैक टू ड्राइविंग मोटर्स। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो भाई आज मैं ना क्रेटा में जो हमने टॉप मॉडल वाला स्टीरियो लगवाया था तो इसमें ना थोड़ी बहुत चीज़ें अभी काम नहीं कर रही हैं। एक तो जो हम इसके पार्किंग ऑन करते हैं ना तो ये डिम नहीं होती है। मैं आपको इसकी ना सेटिंग्स में दिखा देता हूँ डिस्प्ले की। तो रात को ना काफ़ी तेज़ इसमें लाइट रहती है तो वो इरीटेट करती है रात को जब हम इसमें चलते हैं ना। तो अभी देखो इसमें ना जैसे मैं नाइट कर दूंगा क्या, तो इसमें ये वाली ब्राइटनेस रहेगी या फिर रहेगी ये रहेगी और ये ऑटो इसमें। और जैसे ये वाली ब्राइटनेस है ना तो इसको मैं कम ज़्यादा नहीं कर सकता मेन जो हमारी ब्राइटनेस, क्योंकि इसके वायरिंग वगैरह ना अभी कंप्लीट नहीं है शायद। तो एक ही मुझे इसमें ये इशू हो रखा है। और ये वाली ब्राइटनेस तो मैं कम ज़्यादा कर सकता हूँ लेकिन वो वाली नहीं कर सकता। लेकिन इसको मैं पूरा -5 पे भी रखता हूँ ना तो भी रात को बहुत ज़्यादा ब्राइट है। और ये ना आँखों में फिर है ना इरीटेट करती है जब इसको हम चलाते हैं आगे बैठते हैं, जो ड्राइवर होता है को पैसेंजर होते हैं इनको इरीटेट करती है। तो एक तो मेरा ये है और सेकंड चीज़ भाई जो इसके बटन होते हैं ना इसमें इनकी ब्लू कलर की लाइट आती है ह्यूंडई की, हर एक स्टीरियो में इनका यही है। तो इसमें ना भी ये लाइट ऑन नहीं होती है। मैं आपको दिखा देता हूँ अभी जैसे मेरी कार की ना पार्किंग होना आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। अभी शायद नहीं दिखेगी लेकिन मैं ना एक रात की भी मेरे पास कोई क्लिप पड़ेगी मैं डाल दूंगा। तो इसमें भी कोई ना लाइट वगैरह कोई नहीं ऑन होती और ना ही ये पार्किंग के साथ इसमें जो डिम वगैरह होती है लाइट वो भी कुछ नहीं होता। तो मैं आपको वो भी करके दिखा देता हूँ। देखिए मैंने पार्किंग ऑफ कर दी, अभी ऑन कर दी। तो इसमें कोई भी लाइट वगैरह ऐसी कम ज़्यादा नहीं हो रही तो वो भी एक इशू है। तो वो भी मुझे करवाना है और मेन हमें इसमें लगवानी है एक एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले की जो केबल मैंने इसमें मंगवा रखी है ह्यूंडई से जो मैंने ली थी। तो इसके MRP वगैरह आप देख सकते हैं 3700 रुपये की केबल है। तो ये मुझे यहाँ से लेके और नीचे जो ये वाला पैनल है ना हमारा यहाँ तक लगवानी है। तो ये वाली भी हमारी बहुत जरूरी है क्योंकि इसके विदाउट है ना मैप हमारे चलते नहीं है। मतलब ये वाला मैप तो चल जाता है लेकिन इसका फ़ायदा नहीं है। अब जैसे मैं ट्रैफिक में खड़ा हूँ आप ये देख सकते हैं यहाँ ना ट्रैफिक दिखाएगी नहीं ये वाला मैप जो है ना। बाकी इसके मैप का है ना जो पूरा 3D दिखाता है बिल्डिंग्स वगैरह का लेकिन ये ट्रैफिक नहीं दिखाता तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो मेन तो हमें ट्रैफिक ही देखना है क्योंकि आप देख सकते हैं दिल्ली में ट्रैफिक कितना रहता है। तो ट्रैफिक नहीं शो करता, वैसे डेस्टिनेशन वगैरह तो कर देता है लेकिन ट्रैफिक नहीं करता। तो इसलिए गूगल मैप वगैरह इसमें चल जाएगा एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले से। तो ये करवाना जरूरी था। तो मैं ना करोल बाग में जा रहा हूँ, मैं आपको वहाँ जाके मिलूँगा जिनसे मैं काम करवाऊँगा। तो आगे वहीं मिलते हैं भाई। और भाई इसमें ना एक दिक्कत हो रहा है अभी, इसमें ना FM जो हमारा जैसे मैं आपको दिखाऊँ ये रेडियो पे आ गया मैं, तो ये ना ये हमारा थोड़ा सिग्नल में दिक्कत करता है जैसे इसमें क्लैरिटी नहीं है। बाकी इस एरिया में तो भाई अभी थोड़ा क्लियर ही चल रहा है ये थोड़ा सा। जैसे हम इससे जो सिग्नल होते हैं मेन दिल्ली से थोड़ा आउटर साइड चले जाएँ तो वहाँ पर दिक्कत करता है ये, बहादुरगढ़ वगैरह की साइड चले जाएँ फिर किसी भी दिल्ली के बॉर्डर पर चले गुड़गांव चले जाएँ तो वहाँ नहीं चलता ये ढंग से बिल्कुल भी। इसमें ना बहुत अनक्लैरिटी रहती है, वो इसमें ब्रेक होती है बार बार। तो इसके एंटीना की जो वायरिंग है वो भी इसमें गलत हो रखी है, मैंने उनसे बात करी थी वो कह रहे थे इसमें ना अलग वायरिंग होती है करंट वगैरह देना पड़ता है एंटीना की वायर में। तो वो भी मैं करवाऊँगा इसमें। तो भाई अभी इन्होंने स्टीरियो का पूरा सब कुछ खोल दिया है, ऊपर से भी देख सकते हैं और केबल के लिए भी इन्होंने पूरा निकाल दिया, इसमें कटिंग करके लगा देंगे। और बाकी आप देख सकते हैं हमारे निक्कू भाई को और भीड़ देख सकते हैं एक बार आप, उस साइड भी काम चल रहा है उस साइड भी चल रहा है इधर भी चल रहा है और इधर ही हमारे भाई लगा देंगे इसमें पुष्कर भाई। तब मैं आपको दिखाता हूँ ये एंड्रॉइड ऑटो तो मैंने वैसे डायरेक्टली चला के देख लिया था सही चल गया था। और बाकी अब ये चीज़ इसमें ना पार्किंग वगैरह का भी कह रहे हैं यहीं कर देंगे तो बढ़िया हो जाएगा, अभी पार्किंग और कर देंगे उस फिर हमारा काम डन हो जाएगा। फोग लैंप और लगाऊंगा मैं, फोग लैंप की भी बता दूंगा अभी आपको। तो भाई ये देखिए आप कटिंग करके पूरा लगा दिया भाई ने एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले की केबल, इसका पैनल बाकी अलग से लेना पड़ता है काफ़ी महंगा तो, लेकिन इसमें से कटिंग करके कर दिया इन्होंने। तो भाई आप ये देख सकते हैं इन्होंने ना पोर्ट वगैरह लगा दिए हैं, निक्कू भाई के पास मैं आया था तो पोर्ट वगैरह ना इसे एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले सारी चीज़ काम कर रही है। बाकी मैंने आपको एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले बाद में दिखा दूंगा, मेरे पे अभी केबल नहीं है एप्पल कारप्ले वाली, मैं आपको ऑन करके और दिखा देता हूँ। अभी इसमें ना लाइटनिंग वगैरह भी देख रहे हो सब काम कर रही है, देखिए स्विच में लाइट आ गई ना पार्किंग ऑन करती तो ये भी इसमें हो गया और ये वाला हमारा पोर्ट कटिंग करके हो गया बिल्कुल बढ़िया। बाकी इसका ना पैनल अगर जेनुअन लेते तो भाई वो बहुत महंगा पड़ता है, केबल और पैनल 8000 रुपये का आता है। अब मेरी केबल सिर्फ 3700 रुपये की आई है तो पैनल इसका काफ़ी महंगा पड़ता है। तो इससे बढ़िया मैंने इसमें कटिंग करवा के लगवा लिया तो वे सही हो गया बिल्कुल। और बाकी भाई बाहर हमारे भाई लग रखे हैं फोग लैंप लगाने के लिए तो वो और मैं दिखा दूंगा आपको।
सब भाई अब जेन्युइन वाले जो इसमें फोग लैंप आते हैं डमी, मतलब जो फोग लैंप आते हैं इंडिकेटर वाले, वो वाले खोल रहे हैं और फिर हमारे दूसरे वाले फोग लैंप लगा देंगे इसमें। बम्पर बस इसका इतना ही खोलना पड़ता है, ऊपर से पूरा डाउन करने की जरूरत नहीं पड़ती। फोग लैंप में भाई रिले वायरिंग लगानी पड़ती है, तो दोनों तरफ लगा दी है इस तरफ भी, और हमारी यहाँ पे इसके कनेक्शन होते हैं, तो इसके बिना फोग लैंप चलती नहीं बेस मॉडल में, तो ये लगानी पड़ती है। एक्स में भी लगानी पड़ती है, और बाकी फोग लैंप आती हमारे फोग लैंप निकल लग जाएंगे इसमें, और जो इसमें डमी वाले आते हैं ना इंडिकेटर, वो इसमें निकाल दिए और उसका फ्रेम भी निकाल दिया। तब इसमें ना पूरा कंप्लीट उसमें आता ही है, जेन्युइन वाले में ह्यूंडई का जो जेन्युइन आता है, तो दोनों तरफ का हमारा निकाल दो, वो मैंने रख लिया। तो भाई हमारे ये लगा देंगे फोग लैंप, भाई हमारे जेन्युइन वाले आ गए हैं, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। दो बॉक्स हमारे आ गए फोग लैंप, बाकी इसमें जो फ्रेम है भाई ने बताया कि काट के इसमें फिट करने पड़ेंगे जेन्युइन वाले फोग लैंप, जो हमारे पहले वाले थे उनको फ्रेम काटेंगे, फिर उसमें वाले फोग लैंप हमारे फिट कर देंगे। तो आप नई MRP देख सकते हैं इनके एसेसरीज़ के, MRP अब काफ़ी बढ़ चुकी है Hyundai की। मैन्युफैक्चर्ड ऑन 12 दिसंबर 2022 है, 960 रुपये के, जो हमारा सिंगल इस साइड का, तो दोनों मिला के 960 के दोनों हैं। बाकी वायरिंग इसमें पूरी लगी है, मैं खोल कर दिखा देता हूँ आपको। तो आप देख सकते हैं ऐसी कुछ पैकिंग रहती है, और ये हमारा फोग लैंप है। और बाकी मैं आपको लगने के बाद इसका रिस्पॉन्स दिखा दूंगा कैसा कुछ बनता है। क्रिस्टल है कि हमारी, बाकी LED डलेंगी, हमारी LED भी आ चुकी हैं, तो बाकी मैं आपको रात को रिस्पॉन्स दिखाऊंगा इसका क्या बना। अब ये वाली इसमें एयरबैंड लगेंगे भाई हमारे साइड में, और फिर हमारा फोग लैंप फिट हो जाएगा। उस साइड भी लगा दिए और इस साइड भी लग जाएगा, ये भी हमारा जेन्युइन Hyundai का। अब भाई उस साइड हमारी फोग लैंप लगा रहे हैं, भीड़ आप देख सकते हैं, गाड़ियाँ खड़ी हैं, क्रेटा सेल्टोस क्रेटा, उधर भी क्रेटा है, भीड़ निको भाई पे पूरी है। फोग लैंप हमारे लग गए हैं, देख सकते हैं भाई अब कितने बढ़िया लग रहे हैं। पहले बिल्कुल डमी सा बिल्कुल बेकार लगता था, प्लास्टिक ज़्यादा दिखता था, अब बस इसकी वायरिंग करनी रहेगी। दोनों तरफ लग गए हमारे फोग लैंप, अब देख सकते हैं तब सही लग रही है लुक में, मतलब फोग लैंप लगने से ना नीचे से, और बाकी लाइट भी बढ़ जाएगी रोड पे पहले से। तो बस अब इसकी वायरिंग करनी रहेगी, तो वायरिंग कर रहे हैं भाई, उस बम्पर भाई ने पूरा फिट कर दिया दोबारा। तो भाई अब हमारी फोग लैंप लग गई है, अब जैसे इंडिकेटर वगैरह सब कुछ वर्क कर रहा है, और हमारी LED भी वर्क कर रही है। इसमें हमने क्रिस्टल आएगी LED दलवाई 120 वोल्ट, दोनों तरफ आप देख सकते हैं। बाकी इसका जो हमने कनेक्शन है ना, वो हमने लो बीम से करवा दिया। ये पार्किंग पे ना ऑन नहीं होती, हमारी लो बीम के साथ ही ऑन होती है, और हाई बीम पे भी ऑन रहेगी, तो वाले कनेक्शन काफ़ी सही रहते हैं इसके। और बाकी भाई इसका रिस्पॉन्स चेक करने के लिए ना एक मैं क्लिप डालूंगा रात की, जिसमें इसका मैं आपको रिस्पॉन्स दिखाऊंगा रोड पे कैसा क्या इसका थ्रो बन रहा है फोग लैंप का। तो भाई आप देख सकते हैं एंड्रॉइड ऑटो वगैरह हमारा सब कुछ चल रहा है इसमें, एप्पल कारप्ले मैं आपको अभी दिखा दूंगा। केबल मैंने इसके लगा रखी है यहाँ पे, पोर्ट भाई ने यहाँ पे हमारा कटिंग के साथ बना दिया था, लगाते ही हट जाती है, जैसे मैं इसको वापस लगाऊंगा तो दोबारा चल जाएगी। तो ये देखिए आप, अब इसमें एंड्रॉइड ऑटो हमारा चल गया। तो इसके ना आपको थीम और दिखा देता हूँ, ये ऊपर इस मैन इंजन वोरिंग की लाइट तो आती है, इसका कैनवस बेकार है थोड़ा, ऐसा आपका एंड्रॉइड ऑटो चलता है इसमें। बाकी है ना पूरी वीडियो वगैरह भी चल जाती है यूट्यूब की गाने की, वो भी मैं आपको ना एक पूरी अलग वीडियो बनाऊंगा उसमें, कि कैसे अगर आप क्रेटा का स्टीरियो आपके पास जेन्युइन या फिर कोई भी होंडे का कार उसमें आपको जेन्युइन स्टीरियो, तो आप उसमें यूट्यूब की वीडियो कैसे चलाएं, तो उसमें मैं पूरा बना दूंगा। बाकी इसमें ना ये इतनी जो स्क्रीन है साइड की, क्या तो इसमें मैप वगैरह चलेंगे या फिर जोन सी ऐप आप चला दें तो वो चलेगी, या फिर इसमें वो चलेगी, कंप्लीट पूरी स्क्रीन पर नहीं चलता। एक इशू मेरे को इसमें ये लगा है कि ये ना पूरे कंप्लीट स्क्रीन पर चलना चाहिए, हाफ पे चलता है, जैसे वीडियो भी चलेगी तो वो इतने हाफ पे चलेगी, इसमें नहीं चलता। ये क्रेटा में होता ही है, टॉप मॉडल में भी ये दिक्कत है। एंड्रॉइड ऑटो बाकी भाई इस कार में बिल्कुल बढ़िया चल रहा है, एप्पल कारप्ले मैं आपको बाद में दिखा दूंगा इसमें चला के, बस वही चीज़ चेक करनी रहेगी क्योंकि केबल थी नहीं उसके हमारे पास, और अब हमारे ट्रैफिक वगैरह सब कुछ दिखेगा क्योंकि गूगल मैप अब इसमें पूरा अच्छे से चलेगा। अब लाइट वगैरह आप देख सकते हैं स्विच में है ना, हमारी लाइट वगैरह भी ऑन ऑफ हो रही है पार्किंग के साथ ही, तो ये भी हो गया। बस हमारा है ना जो इल्यूमिनेशन होती है इसकी, वो ऑटो पे हमारी है लेकिन वो डिम नहीं हो रही है, मैं आपको दिखाता हूँ अभी ऑटो पे, लेकिन डिम नहीं हो रही, ये हो नहीं रही है इसके अलग से वायरिंग वगैरह इसके बंदी, तो मैंने करवाई नहीं है। बाई चांस नाइट को अगर वो चलानी हो तो भाई इसको अब मैनुअल कर सकते हैं, तो मैनुअल कर लेंगे, अब फालतू में इसकी वायरिंग दोबारा छिड़वानी पड़ती, तो मैंने इसको नहीं करवाया। मेन बस है ना जो स्विच है, रात को दिखते नहीं थे बिल्कुल भी,
तो ये ढूंढने पड़ते थे, या फिर ऊपर वाली लाइट हमें ऑन करनी पड़ती थी, तो है ना ये वाले स्विच की बहुत ज़रूरी थी और एंड्रॉइड ऑटो हमारा ज़रूरी था एप्पल कारप्ले, तो ये हमने अब इसमें चालू करवा लिया है। बाकी अब मैं आपको है ना इसमें क्लिप डालूंगा जिसमें आप इसकी फोग लैम्प हमने लगवाई उसका आप थ्रू देख सकते हैं। तो ये वाली वीडियो भाई अब मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो इसमें एंड्रॉइड ऑटो तो बढ़िया चल गया था, आप लोगों ने देखा होगा। अब बाकी एप्पल कारप्ले मैंने इसमें केबल लगा दी है, मैं आपको दिखा देता हूँ लाइट ऑन करके। यहाँ पर मैंने इसके एप्पल कारप्ले की केबल लगा दी है और एप्पल कारप्ले इसमें बिल्कुल बढ़िया चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। मैप्स वगैरह सारी चीज़ चल रहे हैं इसमें, सारा डाटा भी दिखाता है ट्रैफिक वगैरह का, आप देख सकते हैं। तो ये काफ़ी बढ़िया चीज़ होगी। और बाकी भाई हमारी जो फॉग लैम्प्स हैं उनका मैं आपको रिस्पॉन्स दिखाता हूँ। अभी पता नहीं चलेगा क्योंकि मैंने इनका लो बीम के साथ करवा रखा, मैं आपको दिखा देता हूँ बाहर से। और इसमें ना स्टीरियो की अभी लाइट देखो, जो स्विच में लाइट आ गई ना, पहले स्विच में लाइट नहीं थी तो ये हमेशा ना ऊपर वाली लाइट ऑन करनी पड़ती थी और उसके बाद फिर यहाँ देखना पड़ता था। तो अभी ये वाली चीज़ भी रिजोल्व होगी। और बाकी मैं आपको फॉग लैम्प दिखाता हूँ अभी। तो अभी देखो मेरी लो बीम ऑन है, अब मैं इसको है ना पार्किंग पे करूँगा तो ये नहीं ऑन होगी, और फिर मैं इसको दोबारा लो बीम पे करूँगा तो ये ऑन होगी। तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो देखिए अभी ये ऑन है फॉग लैम्प हमारी, और अब मैं इसको पार्किंग पे कर देता हूँ तो ये ऑफ होगी क्योंकि इसके जो कनेक्शन है वो लो बीम के साथ करवाएं। अब मैं इसको डीपर दूंगा, ये देखिए तो डीपर भी दोनों साथ दे रहे, बाकी इसकी लुक काफ़ी बढ़िया लगती है अब। और अब ये है हमारी लो बीम, ये आप देख सकते हैं, और अब इसको मैं करवाऊंगा हाई बीम पे, और ये है हमारी हाई बीम। तो फॉग लैम्प का ना लुक वगैरह काफ़ी बढ़िया हो जाती है कार की व्हाइट लाइट होने के बाद, तो काफ़ी बढ़िया लगती है। और जो हमारी पास की जो रोशनी है ना इधर दोनों तरफ की, ये भी काफ़ी बढ़ जाती है। पहले लो बीम हमारी सिर्फ आगे आगे करती थी, तो जो हमारे क्लोज के जो पैच है ना ये नहीं दिखता था। अब इसका लाइट में हल्का डिफरेंस देख सकते हैं, हल्का येलो येलो, वो हल्का सा लाइट है क्योंकि वो हमारा प्रोजेक्टर है और नीचे हमारा रिफ्लेक्टर है, तो हल्का सा माइनर सा है बस, ज़्यादा कोई फर्क नहीं है, हल्का सा को महसूस होगा दिखेगा, वीडियो में थोड़ा ज़्यादा दिखेगा, कैमरे में हमेशा ज़्यादा दिखता है। तो जो हमारा ये क्लोज वाला पैच है ना, पहले ये विजिबल नहीं होता था जब हमारी फॉग लैम्प नहीं थी, तो अब ये भी हो गया। और सेकेंड चीज़, हमारी लुक भी अब काफ़ी अच्छी आती है, आप देख सकते हैं। तो भाई यही थी एक वीडियो क्रेटा के फॉग लैम्प्स और इसके जो स्टीरियो में हमने एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो चालू करवाया उसके ऊपर। बाकी मैं आपको अंदर से भी दिखा देता हूँ। आप ये देखिए अंदर से, ये जो क्लोज वाला पैच है ना पहले, ये वाला हमारा नहीं दिखता था, ये जो बिल्कुल कार के जस्ट नेक्स्ट है ये नहीं दिखता था, फॉग लैम्प होने के बाद अब ये दिखने लग गया। और बाकी डीपर तो हमारा काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, अब डीपर भी हमारा फॉग लैम्प में भी और ऊपर वाली हेडलाइट भी दोनों इकट्ठे डीपर मारती हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।